हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ सड़कों पर आपने ट्रैफिक का हाल जाना, तो वहीं दूसरी तरफ अनलॉक शुरू होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलने लगे हैं। ओखला सब्जी मंडी में से भी इंडिया टीवी रिपोर्टर सैयद नजीर ने एक रिपोर्ट भेजी है। यहाँ की तस्वीर दिल्ली वालों को चेताने वाली है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ चौंकाने वाली है। इस वक्त हम ओखला मंडी में हैं और ओखला मंडी लगातार मैं आ रहा हूं। पहले बहुत कम भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, यहां भीड़ बढ़ने लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर आएंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन से थोड़ी राहत सिर्फ उद्योगों और निर्माण कार्य से जुड़े चीज़ों को दी गई है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मंडी में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर भी काफ़ी ट्रैफिक देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा था, चूँकि लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, सड़कों पर भी भीड़ बढ़ी है। लोग बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। दूसरी लहर का अभी खात्मा नहीं हुआ, दूसरी लहर अभी चल रही है। हालांकि दिल्ली में केसेस कम हुए हैं, 650 के करीब डेली केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि सिर्फ उद्योग और निर्माण कार्य से जुड़े चीज़ों को इजाज़त दी गई है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा, जब अनलॉक की प्रक्रिया और धीरे धीरे खुलेगी, तब और भी ज़्यादा सड़कों पर ये भीड़ हमें देखने को मिलेगी, मंडियों में देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, ख़तरा अभी बना हुआ है, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जिनको सहारा लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो लोग भूल रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।